लखनऊ से बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे अटल स्टेडियम। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण की तैयारियों को देखेंगे योगी आदित्यनाथ। जानकारी है कि अब से थोड़ी देर बाद अटल स्टेडियम पहुंचेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं। तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि तमाम दिग्गज मेहमान आज पहुंचेंगे मंच पर, और ऐसे में तैयारियों का जिम्मा जिन लोगों को दिया गया था, उन्होंने कैसा काम किया, कोई कमी तो नहीं रही, वो तमाम चीजें देखने के लिए पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, फाइनल बातचीत होगी। किसी तरीके का बदलाव तो नहीं करना स्टेडियम में, वो तमाम चीजें देखेंगे, परखेंगे। और जानकारी इस बात की है कि अब से थोड़ी देर बाद अटल स्टेडियम योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं, शपथ ग्रहण की तैयारियों को देखने के लिए पहुंचेंगे। और योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद जब पहुंचेंगे अटल स्टेडियम, वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि हमारे अलग अलग सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। शैलेश अंदर से लगातार नजर बनाए हुए हैं अटल स्टेडियम पर, तो वहीं विवेक लगातार बाहर की तस्वीरों पर उनकी नजर है, शैलेश भी वहीं पर मौजूद हैं, तो उन तमाम तस्वीरों को समझेंगे। देखिए शैलेश हमारे साथ बने भी हुए हैं इस वक्त, फ्रेम में आप उन्हें देख सकते हैं। शैलेश, क्या जानकारी है? बड़ी खबर तो यह है कि योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद अटल स्टेडियम पहुंचने वाले हैं, क्या इनपुट आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, और उससे पहले यहाँ पर जो एसपीजी है, जो बॉम्ब स्क्वाड है, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। उसने पूरा मंच पर, जो मुख्य मंच था, उसकी पूरी जांच की। देखिए सामने एसपीजी के जवान भी साफ देखे जा सकते हैं, और बॉम्ब स्क्वाड बिल्कुल अभी अभी यहाँ से पीछे की तरफ गया है, और मंच के ऊपर भी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए दिख नजर आ रहे हैं दूर हमें। ये सब लोग यहाँ पर अभी अभी एकदम से आए हैं, एक्टिव हुए हैं उसके बाद। हालांकि वैसे तो प्रधानमंत्री को रहना, मुख्यमंत्री को यहाँ पर चेकिंग लगातार है, लेकिन अभी लगभग 5 मिनट से और ज्यादा एक्टिव सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मंच पर पहुंचे। इसके पहले जहाँ मीडिया का मंच बनाया गया, यहाँ पर पूरी बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने जांच की है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ वीवीआईपी को बैठना है वहाँ पर खासतौर से जांच की गई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर आएंगे। सूचना, हालांकि मुख्यमंत्री का कल रात में ही देखिए यहाँ पर आने का कार्यक्रम था। ये बात थी कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री को एक आना स्टेडियम आना था, लेकिन कुछ वजह से वो यहाँ नहीं आए, और एयरपोर्ट से सीधे इकाना स्टेडियम के पास से ही जो रास्ता गया है वहां से होते हुए राजभवन चले गए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे, जो तैयारियां हैं क्योंकि लगभग पूरी हो चुकी हैं, अधिकारी अभी भी देखिए मंच पर हैं। अब मुख्यमंत्री यहां पर निरीक्षण करेंगे, अगर कोई यहां पर उन्हें कमी दिखती है निश्चित रूप से उसके बाद, लेकिन जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे।